सबको मेरा प्रणाम। मैं दीपक झा, आप सभी को स्वागत है दीपक झा स्टडी मस्ती पे। और देखिए भाई, अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए मास्क जरूर लगाना है, जैसे कि हम भी लगाए हुए हैं। और आप कहिएगा कि सर, तो आप अपना घर में ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, इसमें क्यों लगाए हुए हैं? तो मैं, जैसा कि मैं लगा करके आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये कोरोना का जो महामारी चला हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि लोग खूब ग्रसित हो रहे हैं, और अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। तो इसलिए मैं आप लगा करके आपको बताता हूँ कि आप लोगों को भी ये मास्क लगाना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र घर में यूज कीजिए और सैनिटाइज करते रहिए, और जो डिस्टेंस जो ज़रूरी है बनाना वो एकदम बनाइए, और जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ नहीं जाइए। हर एक गाइडलाइन का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आप तभी खुश रहेंगे जब आपका पूरा परिवार और आप सुरक्षित रहेंगे। यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, आपको पता होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो ये बीमारी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, आपको पता है, बीमारी नहीं महाबीमारी है, जिसको महामारी भी कहा जाता है, और यह संक्रमित बीमारी है, आपको पता होगा, एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। इसलिए जितना दूरी बनाएंगे, जितना सुरक्षा प्रदान करेंगे, उतना हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज क्लास की बात करते हैं। आज जो होगा क्लास, थोड़ा मास्क हटा लेते हैं। आज जो क्लास होगा वो क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि सर नाइन्थ का मैथ दीजिए, और मैं खुद नाइन्थ का मैथ लेकर के आ चुका हूँ। और आपको हम आज फर्स्ट चैप्टर नाइन्थ का जो चैप्टर होगा, फर्स्ट 1.1, उससे पहले हमारा आज थोड़ा हम बता देते हैं चैप्टर 1 पार्ट 1 संख्या पद्धति। आपको नंबर सिस्टम पहले बताएंगे, जो पार्ट 1 में जो भूमिका है इस क्लास, इस चैप्टर 1 का क्या क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले परिचय लेना जरूरी है। तो आज हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाने वाले हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा परिचय। आप परिचय भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसलिए परिचय लिखेंगे क्योंकि हम आज आइडेंटिफाई आपको कराएंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ और बताऊंगा, और आप बखूबी से समझ पाइएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आप अपने पास एक नोट कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि नोट कॉपी रखिएगा तभी नोट कर पाइएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है? संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसका संकेत होगा एन, ठीक है? अब ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आता है। प्राकृतिक संख्या आखिर होता क्या है? सबसे पहले जानेंगे ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो यह संख्या एक से अनंत तक होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है एक से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटिव समझिए, जिसका कोई अंत ही नहीं है। जितना तक आप गिन लीजिएगा सभी क्या है, सब एक प्राकृतिक संख्या होगा, सब एक नेचुरल संख्या होगा। इसका एक और परिभाषा होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप जितना तक गिनेगा सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना? तो इसको हम गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और आप इसका उदाहरण लीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, यानी कि जहां तक इसको ले जाइए सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले इसको समझ लिए। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, आपको पता होगा, और इसका संकेत जो होगा W सूचित करते हैं, ठीक है? पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या को जानिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो यह संख्या है जीरो से अनंत तक होती है, या जो संख्या होती है जीरो से क्या होती है, अनंत तक होती है। ये जो था प्राकृतिक संख्या वो एक से लेकर अनंत तक होती है। अब पूर्ण संख्या क्या है कि जीरो से लेकर के अनंत तक होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण आपको दिखाई देता होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटिव कर दीजिए, सभी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, या प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो समझ गए, पूर्ण संख्या जीरो से लेकर क्या होती है, अनंत तक होती है, और प्राकृतिक संख्या एक से लेकर क्या होती है, अनंत तक होती है। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझा दिया। अब ये देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में समझिए, इसको संकेत में जेड सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, इसको समझिए, पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। क्या बनाती है, पूर्णांक संख्या बनाती है। ये जो हमारा पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ मिलकर के पूर्णांक संख्या बनाएगा। जो पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक होती है, उसके साथ में ऋणात्मक संख्या को भी आप ऐड कर लीजिए, वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। समझ गए? जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण हम दिए हैं
ये तो जीरो के बाद देखिए 1 2 3 4 5 जो हमारा राइट साइड है, दाहिने साइड है, जो पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव। अब ऋणात्मक को भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो हम बाएं पक्ष में अगर जाएंगे तो -1 -2 -3 जा रहे हैं, तो इससे -4 -5 यानी कि बाएं जीरो के बाएं साइड भी अनंत तक होगा जितना आप गिन सकते हैं, और इधर जीरो के दाएं ओर भी जितना आप गिन लीजिएगा, ये दो संख्या यानी कि ये धनायन हो जाएगा और ये ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नीचे लिख दिया धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या का भी दो जरूरी है जानना, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाइए, और आपका ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटिव कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी संख्या होगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। आप समझ ही गए होंगे कि सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। क्या बनाती है? पूर्णांक संख्या बनाती है। अभी जस्ट आपको बताया, आप पूछ जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 जो प्लस में होगा, जो धनायन चिन्ह जिसका धनायन चिन्ह होगा वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो होगा अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है उसको देखिए, तो अभाज्य संख्या होगा एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, ये 2 3 5 7 11 जो हम लिखे हैं सब एक अभाज्य संख्या है। और कैसे होगा, तो 2, अब अगर हम 2 को लेते हैं, 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 से करेंगे तो 1 2 जा 2 कट जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो, 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से नहीं, तो स्वयं 2 से अगर लगाएंगे तो 2 1 जा 2 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसका अगर हम भाग करते हैं तो 1 और 2 आता है भाग पर, नहीं परसेंट जो इसका आएगा 1 और 2 आएगा, वैसी संख्या जो एक से तथा खुद से भाग लगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11 11 के बाद क्या होगा 13, फिर 15 नहीं होगा, फिर आप चलिए 17, फिर 19 इन्फिनिटिव और भी होंगे। तो ये यानी कि वैसी संख्या जो एक से था खुद से भाग लगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका भाज्य संख्या है, अगला पॉइंट आपका भाज्य संख्या, वो क्या होगा, एक से तथा स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगे, यानी एक से भी लगेगा, स्वयं से भी भाग लगेगा, या उसके बाद यानी एक से तथा स्वयं से भाग लगने के बाद और संख्या से भाग लगेगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे 4 6 8 10, अगर 4 में अगर आप डिवाइड कीजिएगा, 4 में अगर डिवाइड कीजिएगा तो आप 1 से लगाइएगा तो वो भी 4 कट जाएगा, 2 से लगाइएगा 4 पे तो भी 2 2 जा 4 कट जाएगा, अगर आपको स्वयं लगाइएगा 4 से तो भी क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा। एक से और स्वयं के अलावा एक 2 भी आता है जिससे क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 4, इसलिए क्या हो जाएगा, भाग संख्या। इसी तरह 6 और 8 और 10 इसमें भी अगर आप भाग लगाइएगा 1 से 2 से और स्वयं 8 से या 4 से, 8 में तो 4 से भी लग जाएगा और 10 में 5 से भी लगेगा और स्वयं 10 से भी लगेगा। तो आई होप आप समझ गए, यानी एक से तथा खुद के अलावा और भी संख्या से भाग लगे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, समझ गए। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या है ये समझ गए, तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी वैसी संख्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या इस चैप्टर में, क्योंकि परिमेय संख्या से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन परिमेय संख्या से रिलेटेड है और इसको जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3 हो गया, 1/2 इत्यादि, यानी 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है पी बटा क्यू के रूप में। आप इसको गौर से देखिए, 2/3 क्या है, पी बटा क्यू, ये पी हो जाएगा और ये क्या है, क्यू। तो पी बटा क्यू के रूप में 2/3 भी है, 1/2 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गया ना। ये ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, समझ गए। और जैसे लिखा हुआ है 2/3 1/2, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका मान शांत अनावर्ती में आता है, समझ गया ना, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। दोस्तों देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट संख्या है उसको देखते हैं, नेक्स्ट संख्या है अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है आइए उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। यानी ये संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या होगा। याद होगा अभी आपको बताएं, अपरिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे।
जैसे पाई हो गया, रूट टू रूट थ्री एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कहिएगा कि पाई का मान तो सर 22/7 होता है, जो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, लगभग मान होता है इसका, ठीक है। पाई को अपरिमेय संख्या में होता है, पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई को अपरिमेय संख्या में रखा गया, अपरिमेय संख्या ही होगा क्योंकि तो इसका मान आसान था अनावृत्ति में आएगा, ठीक है। रूट टू रूट थ्री भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, आर से सूचित करते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्या क्या है उसको देखिए, तो सभी संख्याओं का संग्रह, यानी वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं का क्या है संग्रह है, यानी कि मिक्स है। इसमें परिमेय भी आएगा अपरिमेय भी आएगा, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण पूर्णांक, यानी जितनी संख्या है सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। समझ गए, समझ गए। कोई भी संख्या को ले लीजिए उसका संग्रह कर दीजिए, सब क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, समझिए। फर्स्ट है शांत, यानी शांत आवृत्ति इसको कहेंगे। शांत आवृत्ति क्या